हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित रावत और नए ब्लॉग में है आपका बहुत बहुत स्वागत। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपने बारे में बताने वाला हूं कि मैं कहां से हूं और मैं क्या करता हूं, मेरी फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ मैं आप लोगों को आज इस ब्लॉग में बताने वाला हूं। क्योंकि एक डेढ़ साल पहले जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने अपने बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया था। मेरा कोई ये नहीं था कि मैं ब्लॉग ही बनाऊंगा, खाली मैंने ब्लॉग बनाना शौक के लिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे ब्लॉग वगैरह बनाना, वीडियो वगैरह बनाना काफ़ी अच्छा लगता है और वीडियो एडिटिंग करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब अपने चैनल पर कुछ सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बारे में आप लोगों को बताया जाए और आप लोग भी मेरे बारे में शायद जानना चाहोगे, तो आज मैं इस ब्लॉग में अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो शुरुआत में मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी मैं कहाँ रहता हूँ और बेसिकली मैं हूँ कहाँ से, वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं हूँ दिल्ली तिमारपुर में, जो कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के करीबी है और यहाँ पे मेरी दादी रहती है, यानी कि जो मेरी दादी है गांव में उनकी देवरानी, तो उनके साथ में रहता हूँ, उनको मैं बोलूँगा छोटी दादी। तो अभी उनके साथ में यहाँ पे रहता हूँ और वो यहाँ पे सरकारी प्लॉट में रहते हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये सारे जो है सरकारी प्लॉट है और अभी वो यहाँ पे रहते हैं। आप लोगों को तो पता होगा बेसिकली मैं गांव से हूँ, उत्तराखंड से, लेकिन अभी कुछ कंडीशन की वजह से मैं यहाँ पे दिल्ली में आया हुआ हूँ। और आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको गांव की वीडियो देखना पसंद है, गांव के ब्लॉग देखना पसंद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आपको गांव के ब्लॉग, गाँव की वीडियो दिखाऊँ और पहाड़ों की सुंदर सुंदर वीडियो दिखाऊँ। तो अभी कुछ दिन मैं यहाँ पर आया हुआ था, तो जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे आसपास के बारे में पता नहीं था कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है और कहाँ पर क्या है। तो अब मेरे को पता चल गया है और अब मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता सकता हूँ आसपास क्या है। तो एक नज़र दिखाता हूँ मैं आसपास आपको, फिर उसके बाद आप लोगों को अपने बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। दिल्ली का मौसम भी अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और ये जो सामने है ये है सिग्नेचर ब्रिज और यहाँ पर दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, बिकॉज रात में इसके ऊपर जो है टॉप पर वहाँ पर झंडा बना रहता है, जो लाइटें लगी रहती है वो झंडे को दर्शाती है और काफ़ी मस्त लगती है, काफ़ी अच्छी तरीके से चमकता है ये। इसके ठीक सामने है ये बिल्डिंग हमें दिखती है उसके बाद, तो ये है हॉस्पिटल। इसके बारे में मैंने बोला था कि ये शायद रेलवे की लाइन है, लेकिन नहीं, ये मेट्रो की लाइन है और ये सारी सारी मेट्रो की लाइन है और आप देख भी लो यहाँ पे मेट्रो खड़ी है वो वाली। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने बारे में बताने का, आप लोग मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम है रोहित रावत और मैं उत्तराखंड के थापला गाँव से रहने वाला हूँ, जो कि पौड़ी जिले के सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। और हमारे जो नज़दीकी मार्केट है संगला कोटी, पोखड़ा, बेदीखाल, बेजरो, ये हमारे नज़दीकी मार्केट है। अगर मैं बात करूँ अपनी क्वालिफिकेशन की तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। अब बात करता हूँ मैं अपने फैमिली के बारे में, तो थापला गांव में हमारा छोटा सा घर है और वहाँ पे मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरा भाई रोहन और मेरा छोटा सा प्यारा सा भतीजा आदि, जिसको कि मैं बहुत पसंद करता हूँ और बहुत मिस करता हूँ, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। और मेरा भाई जो है दिल्ली में जॉब करता है और अभी मैं भी दिल्ली में हूँ। हम तीन भाई हैं और एक फैमिली हमारी कोटद्वार में है, चाचा जी और की, चाचा जी है वहाँ पे और चाची भी है, तो उनके भी तीन बेटे हैं। और सबसे बड़े भाई का नाम है मेरे अजय, वो अभी आर्मी में है, और दूसरे भाई का नाम है अजीत, वो अभी कोटद्वार में है और भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहा है, और तीसरा भाई अखिल, जिनके साथ कि मैं ब्लॉग बनाता था कोटद्वार में, वो अभी छोटा है और वहाँ पे चाचा चाची है, यानी कि पांच मेंबर वहाँ पे भी है। और बात करूँ दादी की फैमिली की, तो दादी की फैमिली में दादी के बेटे हैं यानी कि मेरे चाचा जी, और उनका एक छोटा सा लड़का भी है और चाची जी भी उनके साथ में, चाची जी और चाचा जी उनका बेटा और दादी उनके साथ रहते हैं, और एक बुआ है छोटी बुआ, तो वो भी यहीं पे रहते हैं, और उनकी बेटी है तानी, वो भी यहीं पे रहती है। बुआ का नाम है किरण और बड़ी बुआ जो है वो है मेरठ में, उनकी शादी हो चुकी है, इनकी भी शादी हो चुकी है। हमारी फैमिली में हमारी कोई बहन नहीं है, मेरे चाचा जी की कोई बेटी नहीं है और हमारी भी कोई बहन नहीं है, तो बस हमारे घर में लड़के लड़के हैं, खाली यहाँ पर दादी जो है उनकी लड़कियाँ हैं दो। तो हमारी जो है ये पूरी फैमिली है, ये अभी अलग नहीं हुई है, ये एकजुट फैमिली है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये बड़ी फैमिली है और जो सारे सदस्य हैं जो अभी साथ में हैं, तो टोटल जो सदस्य हैं वो है 18, यानी कि अभी हमारी जो फैमिली है 18 लोगों की, 18 सदस्यों की फैमिली है। तो ये तो होगी हमारी एक फैमिली, लेकिन मेरी अलग से एक फैमिली और है और वो है आप लोग, क्योंकि आप लोग भी शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हो, मेरे को सपोर्ट करते हो, तो आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हो, तो आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे बारे में सारी जानकारी मिल चुकी होगी कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी फैमिली में कौन कौन है, और इस चैनल पर आपको मेरी फैमिली से रिलेटेड ब्लॉग और पहाड़ों के ब्लॉग देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहाड़ी ब्लॉग देखना चाहते हैं और मेरी फैमिली के ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और भी ब्लॉग के लिए पहाड़ी भाई यूट्यूब चैनल को क्या करना, नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उसके साथ खेल लो जो करना है, लेकिन उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको जल्दी मज़ेदार ब्लॉग के साथ, बाय बाय दोस्तों।